गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9111015115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9111015116। खंडवा में मध्य प्रदेश शासन के दो कैबिनेट मंत्री आज मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और ओम प्रकाश सकलेचा ने आज छैगांव माखन ब्लॉक में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में विभागों की ओर से लगाए स्टालों का निरीक्षण किया। दोनों ही मंत्रियों ने हितग्राहियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके बाद कलेक्टरेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ शहर विकास पर चर्चा की। वहीं मीडिया से बातचीत में कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लगाए गए यह शिविर आखिरी व्यक्ति तक सरकारी मदद पहुंचाने के लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, इसमें हमें सफलता मिल रही है। जयस के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, हम जनजातीय क्षेत्रों में भी जीत रहे हैं क्योंकि हमें आदिवासी भाइयों के लिए बेहतर विकास किए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है, जिसमें हर स्तर पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। मंत्री सकलेचा ने कहा कि खंडवा के विधायकों को कहा कि वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए क्लस्टर स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएं तो वह एक हफ्ते के अंदर स्वीकृति प्रदान कर देंगे। कार्यक्रम के बाद मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा जिनके पास कुछ कराने को नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, वह क्या करेगा। भाजपा सरकार में विकास का अंतर दिख रहा है। 18 सालों में मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, कमलनाथ की सभा से कुछ नहीं होना है। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा पहले वह अपने परिवार को जोड़ ले। देखिए यार, जिसके पास कुछ करने को नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, वो क्या करेगा यार। मुझे ये बताओ, विकास का अंतर दिख रहा है 18 साल में? यहाँ पे सड़कों में अंतर दिख रहा है, बिजली में अंतर दिख रहा है, गांव के रहन सहन का स्तर का अंतर आया, आपके बचपन के समय आपके परिवार की क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है, किसी दूसरे को क्यों, आप अपने आप को देखिए ना, आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। महाकोशा अच्छा। से कांग्रेस ने 23 के रन की शुरुआत करी है, कर दे लो यार, क्या लगता है तेजी से? कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? वो अपने परिवार को जोड़ ले, उसी की मैं बधाई दे दूंगा। चुनौती मानते हैं अगर जयस चुनाव मैदान में आता है? देखिए, मैं इस बारे में नहीं मानता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और पार्टी से मंत्री हूँ, तो जहाँ तक मेरी पार्टी की बारे में जानकारी है कि हम पूरी तरह से सभी जनजाति की सीटों पर जीतने की स्थिति में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, आदिवासी कल्याण के लिए, जनजाति कल्याण के लिए हमने अनेकों योजनाएँ चलाई हैं, और तो और विदेश तक बच्चों के लिए पढ़ने को भेज रहे हैं, जनजाति के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और सभी प्रकार के भील भिलाला, इसके अलावा शहरिया जो हैं उनके लिए भी, जो बेगा हैं उनके लिए भी, सभी के लिए अलग अलग योजना, नंबर एक। दूसरी बात, वर्धन के लिए भी, और उनमें इस बात का संदेश जाए कि जनजाति का व्यक्ति और एक महिला भारत की प्रथम नागरिक बन सकती है, तो हम लोगों ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति बनाया, तो एक नया एक सम्मान मिला जनजाति की एक महिला के लिए, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं मिला। तो मैं मान के चलता हूँ कि आदिवासी समाज ने इसे बहुत ज़्यादा हौसल दिया। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।